हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जो गार्डन को चमकता हुआ सितारों की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको ये रंग बिरंगे प्लांट जो हैं ज़रूर लगाने चाहिए। नंबर एक पर ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, वेंडरिंग जू का प्लांट। फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो कलर है बहुत ही सुंदर होता है और इसकी पत्तियां हैं जो ये चमकती हैं। जब सूरज ढलता है तब भी चमक रही होती हैं और दिन भर खूब चमकती हैं। तो इस प्लांट को आप अपने जो है गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट एक चमकता हुआ पत्तियों वाला प्लांट है, तो ये आपके गार्डन को जो है चमकाएंगे और आपका गार्डन बिल्कुल स्टार की तरह दिखेगा। तो ये जो आगे मैं पौधे आपको बताने वाली हूँ, इनको आप अपने बगीचे में, अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। नंबर एक पर ये मैंने आपको बताया है। नंबर दो पे ये है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला पौधा जो है पर्पल हार्ट का पौधा। पर्पल हार्ट का पौधा जो ये है, ये डोर इनडोर दोनों में चल जाता है। इसका कलर इतना सुंदर होता है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत प्यारी सी चमकदार होती हैं। तो इस प्लांट को अगर आप अपने इंडोर गार्डन में रखेंगे तो फूल नहीं खिलेंगे। अगर आप इसको अपने टेरिस गार्डन पे रखेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से पर्पल कलर के फूल खिलते हैं। ये भी एक बहुत ही प्यारा चमकता हुआ पौधा है। नंबर तीन पर पौधा है, ये है रियो का प्लांट, जिसको गोट लिली भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो कलर है बहुत ही सुंदर कलर है और ये प्लांट जो है बहुत ही प्यारा से एक चमकता हुआ पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों की शाइन आप देख ही रहे हो। तो इस प्लांट को भी आप अपने जो है गार्डन में शामिल कर सकते हैं, स्टार अपने जो है गार्डन को बनाने के लिए। नंबर चार पर ये है बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा। ये पौधा भी जो है बहुत ही प्यारे कलर में होता है। ये देखिए, ये पौधा जो गमले में फैलता है तो वाकई में लगते हैं जैसे बगीचे में छोटे छोटे गार्डन में स्टार बिखरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करिए। मोतियों की तरह चमकने वाला प्लांट है ये भी स्टार का लुक देता है। नंबर पाँच पर ये है कोलियस का प्लांट। कोलियस का प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। इस प्लांट की खासियत एक और है कि ये तो बहुत सस्ता प्लांट है। दूसरा नंबर ये है कि ये प्लांट जो है कई सारे रंगों में आता है। इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे स्टार अपने जो है गार्डन में चमका सकते हैं। और ये प्लांट जो है नंबर छः पर बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, चाइनीज़ पॉकेट। फ्रेंड्स, इसको चाइनीज़ पॉकेट बोलते हैं, इसका कारण तो मुझे नहीं पता है, पर इसकी पत्तियां जो हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर सकते हैं स्टार का लुक देने के लिए। जब शाम के समय ये पत्तियां चमकती हैं तो बहुत ही प्यारी सी लगती हैं। नंबर सात पर ये जो प्लांट है, ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। डेविल्स बैकबोन का प्लांट भी एक बहुत ही प्यारा सा पत्तियों वाला प्लांट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकदार होती हैं। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में चमकते हुए स्टार की तरह रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। और फ्रेंड्स, ये प्लांट में खासियत ये है कि ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। नंबर सात पर है ये लालसा का प्लांट। फ्रेंड्स, ये लालसा का प्लांट इसलिए बोला जाता है कि जो इसकी पत्तियां हैं बहुत ही प्यारे से कलर की होती हैं, डार्क, जैसे कि कॉफ़ी कलर या मैरून कलर कहा जा सकता है, कॉक कलर की ऐसे इसकी पत्तियां होती हैं। और फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों में भी बहुत प्यारी सी चमक होती है, जिसको आप अपने बगीचे में शामिल कर सकते हैं स्टार का लुक देने के लिए। फ्रेंड्स, ये प्लांट
बहुत सस्ता प्लांट है। इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से अपने बगीचे में लगा सकते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इसको आप छोटे छोटे गमलों में लगाकर अपने जो गार्डन में है कॉर्नर में हेज का रूप भी दे सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये छोटी छोटी बोतलों में भी लग जाता है, पॉली बैग में भी लग जाता है, और ये जो प्लांट है बास्केट में भी लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। नंबर 8 पर ये है प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन में भी बहुत सारे कलर आते हैं। और ये जो प्लांट है इसकी पत्तियों का रंग आप देख रहे हैं कितना ही सुंदर कलर है। और ये कलर जो देख रहे हैं आप ये ग्रीन और डार्क को कलर में मिक्स कलर है। और ये फ्रेंड्स प्लांट भी बहुत सस्ता प्लांट है, 20 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये प्लांट जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप खरीद कर भी ला सकते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि ये प्लांट अगर एक बार आपके बगीचे में शामिल हो गया तो ये सालों साल रहने वाला प्लांट है। ये प्लांट जो मेरे पास है कम से कम नहीं तो इस प्लांट को 10 साल हो गए हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, इसी की कटिंग कर करके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं। नंबर 10 पर प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बड़ा सुंदर प्लांट है। ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत ही रेयर प्लांट है ये। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इस प्लांट को आप डिवाइड कर कर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए इसकी पत्तियों का रंग बहुत ही सुंदर है। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन को स्टार का रूप देना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। नंबर 11 पर ये प्लांट है, छोटे छोटे ये प्लांट की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बेबी टीयर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत चमकदार पत्तियों वाला प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर शामिल करें, चमकता हुआ स्टार बनाएं अपने गार्डन को। तो फ्रेंड्स ये बॉलमिन जू के साथ छोटे छोटे स्टार के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी? अपने गार्डन को स्टार बनाने के लिए जो प्लांट मैंने आपको बताए हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।